हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, मैं फिर से आ गई आपके पास एक बड़ा सा शानदार कुछ स्पेशल लेके। अब सोच सकते हैं आप ये क्या है, कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन सब समझ जाएंगे। जो हाउस वाइफ हैं सब समझ जाएंगी, जिनके घर में इससे बर्तन धुले जाते हैं, ये हर आप सबको मालूम है कि ये सबके घर में यूज होता है। लेकिन मेरे घर में बहुत जमानों से पड़ा था, क्योंकि चेंज होता रहता है, समय नया आता रहता है, तो पुरानी चीज रिजेक्ट कर दी जाती है। और पुरानी चीजों का क्या होता है ये तो आप सभी लोग जानते हैं। पुरानी चीजों को हम गार्डनर्स लोग भला कोई चीज फेंक सकते हैं? कुछ भी नहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग का शान जान सब कुछ है हम लोग के गार्डन का। इन्हीं सब चीजों से हमारे गार्डन में रौनक होती है। तो आज मैं इस कंटेनर का क्या बनाने वाली हूँ, ये तो आप लोग मेरी वीडियो पे देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या गजब का शानदार ये चीज लेके आई हूँ। मतलब इतना बड़ा कंटेनर मुझे मिल गया फ्री में, सोच सकते हैं, एकदम फ्री फ्री फ्री। तो मेरे गार्डन में, तो पूरे गार्डन में सिर्फ इन्हीं कबाड़ से ही रौनक बनी हुई है। और पूरे अपने गार्डन में A to Z मेरा, आप कोई भी चीज देख लीजिए, मेरे गार्डन में आपको सिर्फ कबाड़ मिलेगा। इतने बड़े बड़े बकेट रखे हैं, इतने बड़े बड़े पेंट की बाल्टियां रखी हैं, बोरियां रखी हैं, बोरियों में मैंने सब प्लांट लगा रखे हैं, और अब ये मिल गया मुझे खजाना। तो चलिए, इस खजाने को भी कैसे भरते हैं और सोच सकते हैं, मैं आप अच्छे से जानते हैं हमारा टेरिस गार्डन है। तो टेरिस गार्डन में हम लोग कितनी कंजूसी करते हैं मट्टी के लिए, कि मट्टी हम लोग की सेफ रहे। किसी जैसे सीट वगैरह बोते हैं उसमें भी काम आती है, तो मट्टी हमारी सोने जैसी कीमती है। तो सोने जैसी कीमती के लिए हम लोग जरा जरा सी मट्टी खर्च करना चाहते हैं। तो सोच सकते हैं, इतना बड़ा झावा, इतना बड़ा कंटेनर मैं बिना मट्टी के आपको भर के दिखाऊंगी? सोच सकते हैं, ये तो जादू सिर्फ मुझे ही आता है। तो चलिए, जादू देखने के लिए तैयार हो जाइए। ये इतने बड़े बड़े इसमें खाने हैं, पहले तो हम लोग इसको भर लेते हैं। तो इसको कैसे भरा जाता है ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये मैंने बोरी ले ली है और मैंने इस बोरी को कट कर दिया है। ये बोरी मैंने कट कर ली है, कम से कम 25 किलो की बोरी होगी, या इससे भी ज्यादा बड़ी होगी। आप लोग के पास जैसा हो, आप लोग का जिस हिसाब से मैनेज हो सके उस हिसाब से कर लीजिए। तो ये मैंने बोरी इसमें इस तरह से मैंने काट के रखी हुई थी पहले से, कि थोड़ा सा समय का बचत हो जाता है। और अब मैं इसको इस तरह से यहाँ पे ये इस तरह से भरती जाऊंगी और आपको दिखाती जाऊंगी कैसे मैं इस बोरी को बंद कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से भरूंगी और फिर इसको यहाँ से बढ़िया सा बांधूंगी, एक रस्सी के सपोर्ट से बांधूंगी, जिससे कि हमारे ये जो हम लोग भरेंगे इसमें, जो भी भरेंगे अपना घास फूस जो भी, तो अरे मैंने तो आपको बता दिया, वीडियो तो बनाई नहीं, पहले बता दिया भाई कैसे भरूंगी। ये तो आप लोग को देखना पड़ेगा ना, मैं इसको कैसे भरूंगी। तो सब चीजें मेरी जादू की चीजें होती हैं, जिसमें कोई मेरा 1 रुपया खर्चा नहीं होता है। मतलब जीरो बजट लेके आती हूँ, अच्छे से अच्छे लोग, गरीब से गरीब लोग, जिसकी भी इच्छा होती है अपने, जिनके पास बजट नहीं होता है, हर किसी की इच्छा होती है कि हम लोग भी अपना गार्डन बनाएं। तो ये समझ लीजिए, ये सब मैं उन्हीं लोगों के लिए गार्डन लेके आती हूँ, इतनी सुंदर सुंदर टिप लेके आती हूँ। सब लोगों को मेरे ये सब टिप बहुत पसंद आते हैं, कि आप एक भी अपना रुपया खर्च नहीं करती हैं और इतना बढ़िया हम लोग को जीरो बजट से हर चीज करना सिखाती हैं। तो ये देख लीजिए, आपके घर में भी बहुत चीजें इस तरह की पड़ी होंगी, इस तरह की चीजें पड़ी होंगी, बस आपको इस तरह का कुछ भी ले लीजिए। मेरे पास ये था तो मैंने ये ले लिया, आपके पास कुछ और इस टाइप का हो तो आप वो ले लीजिएगा। और ठाट से हम लोग अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं। इस तरह से मैंने ये रस्सी ले रखी है और रस्सी को मैंने इस तरह से यहाँ पे ये बांध देना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको एक रस्सी के सहारे भर दिया है। अब ये कहीं से भी हम लोग को जाली नहीं दिखेगी, जो भी इसमें मट्टी भी भर देंगे, जो सामान कूड़ा कचरा जो डालेंगे इसमें, ये सब इसमें एकदम से भर जाएगा। तो अब इसमें हम लोग का कहीं से निकलने का वो नहीं बनेगा। आपके पास, जानते हैं आप, मैं तो बहुत बड़ी कंजूस हूँ, तो मैंने बोरी सिर्फ एक इस्तेमाल करी है। आप चाहें तो 2 बोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक मैंने ऐसे से कर दिए, आप एक ऐसे से कर दीजिएगा, लेकिन जरूरत ऐसी है ही नहीं, क्योंकि सब पूरा A to Z इसमें छेद भर गए हैं। तो अब हम भरने का स्टार्ट करते हैं, तो दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि मैं इतना बड़ा कंटेनर कैसे भरती हूँ ये सब आप लोग जादू से ही समझ सकते हैं, कि मेरा मैजिकल जादू ही चलता है। तो पहले तो हम लोग इसको छेद कर लेंगे बोरी को, जिससे कि हम लोग का इसमें कहीं से कुछ जरा सा अटक ना पाए। 2-3 छेद कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से 2-3 छेद कर लेंगे, जिससे कि पानी आराम से जा सके। तो ड्रेनेज होल बन गया है हमारा, ड्रेनेज होल बन के तैयार हो गया है। और इसके लिए अब मुझे इसमें थोड़े से कंकड़ पत्थर थोड़े से डाली देती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए इसका बांधने के लिए, बंधेगा, क्योंकि ड्रेनेज होल हम लोग का बहुत जरूरी होता है भरने के लिए, चाहे वो बोरी हो चाहे वो कुछ भी हो, इसमें जरूरी होता है ड्रेनेज होल भरने का। तो मैंने देखिए ये बजरी ले ली है, ये देखिए मैं मट्टी छानती हूँ आपके सामने। मतलब मैं ये चीज दिखाना चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ, लोग कहते हैं जो हम लोग मकान मकान बनते हैं तो मट्टी
उसमें बिल्कुल सड़ी भी निकलती है, वो मट्टी हमारी किसी काम की नहीं होती है। तो ये मेरे मकान की ही मट्टी है, ये मैंने इसकी बजरी निकाल दी, ये छानी भी देखी है मैंने, इतनी मट्टी छानी है। तो सोच सकते हैं इतनी मेहनत करती हूँ अपनी मट्टी पाने के लिए, जिससे कि खरीदनी ना पड़े, बिल्कुल जीरो बजट है। तो ओनली सिर्फ जीरो बजट ही दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये बजरी इस तरह से हम लोग को डाल देनी है, इस तरह से बजरी सबसे पहले स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे ये बजरी डालेंगे, जिससे कि वजन अच्छे से हो सके। ये वजन हो गया, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही स्टाइलिश चीजें दिखाऊंगी, दिल थाम के बैठ जाइए। ये मेरी है कूलर की घास, ये देखिए, ये मेरी कूलर की घास है, बहुत काम आती है मेरे, बहुत सालों से मैं इसको इकट्ठे करती हूँ। हर 2 साल बाद कूलर की सार बदली जाती है, घास जो सड़ जाती है, तो मैं सड़ी हुई घासों का ही इस्तेमाल करती हूँ। ये मेरी सड़ी हुई घास है, देख सकते हैं, जमानों से इकट्ठे करके रखती हूँ। सबके घरों में कूलर रहते हैं, मेरे घर में भी फैमिली बड़ी है, तो कूलर 3-3, 4-4 लगे हुए हैं, तो काम आ जाती है। जैसे उनका कूलर खराब, घास खराब होती है, तो ये मैं बोरियों भर लेती हूँ, मैं फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि जो हम लोग वुड का, बुरादे का, हम लोग लकड़ी के बुरादे का ही हम लोग इतना इस्तेमाल करते हैं अपने गार्डन में, तो ये लकड़ी का बुरादा ही है, सीलन है वो भी सड़ी हुई। तो जैसे जैसे इसमें हम लोग अपने गार्डन का सामान डालते हैं, तो ये अपने आप ही सड़ जाएगी। मैं तो अपना इसमें हर चीज भरने में ऐसे ही इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए, मैंने इतना वो लिया, फिर मैंने एक मुट्ठी हल्की सी मट्टी, देखते जाइएगा कितना मैं मट्टी यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छे से देखिए, जरा सी मेरे मट्टी नाम मात्र की मट्टी लगती है, जरा सी मट्टी, और देख लीजिए इतनी फर्स्ट क्लास मेरी गार्डनिंग है। पूरा गार्डन मेरा समझ लीजिए इसी से भरा है, और इतना गजब का गार्डन भरा है कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हो कि मैं कैसे ये सब मैनेज कर लेती हूँ। मतलब मेरा एक एक मेरा ये गार्डन का अपना कचरा होता है, ये कच्चा मतलब ये ताजा ही है, क्योंकि टाइम इसका आ गया है हटाने का, तो काफी हद तक हटाना है, कुछ ना कुछ इसमें रहता ही है कि हटा दो भाई सामान, अब अगले सीजन के लिए हम लोग को तैयार करना है। तो ये मैंने हटा दिया है, क्योंकि पूरा गार्डन में भरा हुआ था घास की तरह, तो घास जैसी कुछ चीजें ऐसी होती है जो हटानी ही पड़ जाती है। तो ये देखिए मेरे गार्डन का ही, अपने गार्डन का इतना कचरा हो गया, ये अब मेरे गार्डन का ताजा बिल्कुल फ्रेश कचरा है, जो कि अपने आप ही कंपोस्ट हो जाएगा बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। जहां इसमें मट्टी पड़ती है, पानी पड़ता है, अपने आप ही इसमें ये कंपोस्ट हो जाता है। तो ये कंपोस्ट हो इसमें डाल दिया मैंने, अब आ गई मेरी दूसरे खजाने की बारी। ये देखिए, ये मेरे अपने खुद के घर में छत, बहुत बड़ा पीपल का पेड़ लगा हुआ है, जो मेरे टेरेस में पूरा 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 पत्ता इसमें भर जाता है, जो मैं हर समय, हर एक दिन मैं आपको ये वीडियो भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे छत से पूरी अपनी पत्तियां इकट्ठे करती हूँ, तब आप लोग को समझ में आएगा कि मेरी गार्डनिंग कैसी होती है और कितनी मेहनत से मैं करती हूँ और कैसे पूरी एक एक चीजें इकट्ठा करती रहती हूँ, कोई चीज वेस्ट नहीं होने देती हूँ। अब ये देखिए, पूरी मट्टी मेरी भर गई, पत्तियां भर गई पूरी, और पूरी पत्तियों से ये मेरा गजब का, सोच रहे हैं कितना शानदार, कितना शानदार जानदार, पूरा इतना बड़ा बकेट ये भर गया। और भर दूंगी, क्योंकि पत्तियां हमारी अभी जैसे जैसे पानी पड़ता है वैसी वैसी नीचे होती जाएंगी, जैसे जैसे नीचे होती जाएंगी, बस इस तरह से देख लीजिए। और आप लोग सोच नहीं सकते हो, मैं वो काम करके दिखाती हूँ, इतना बड़ा बकेट सोच सकते हो कितनी जल्दी भर दिया, और मट्टी भी नहीं लगी, कोई मट्टी का इस्तेमाल नहीं किया मैंने, सिर्फ एक मुट्ठी, दो मुट्ठी में तो हम लोग सीड भी नहीं लगा पाते हैं, बस सिर्फ मैंने इतनी मुट्ठियों का इस्तेमाल किया है। बस ऊपर जरूर हम लोग थोड़ी सी मट्टी ज्यादा डालते हैं, जिससे कि हम लोग को कोई चीज में लगानी है तो ऊपर से मट्टी से ही हम लोग की ये कंपोस्ट बनना शुरू हो जाएगा। अब इसमें कंपोस्ट भी बढ़िया बन जाएगा, और जो हम लोग फसल बोएंगे वो भी हम लोग की 100% तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने ये तैयार कर लिया, अब आ गया कि हम लोग इतने बड़े बकेट में क्या यूज कर सकते हैं। तो भाई टाइम आ गया हमारे सीडलिंग का, कौन कौन से सीडलिंग का, धनिया, मेथी, जो भी है, मिर्चे, दुनिया भर के शिमला मिर्च वगैरह वगैरह, सब दुनिया भर की मैं आपको दिखा देती हूँ बना बना के, कि कौन कौन सी मुझे इस समय सीजन आ गया है। इस समय तो मेरा ध्यान फोकस इस पे है, तो सब्जियां इतनी याद नहीं आ रही हैं, लेकिन इतने बड़े कंटेनर में मैं क्या लगाऊंगी, क्योंकि सीजन अपना आ गया है। तो इसमें मैंने डाल दी धनिया, ये देखिए, ये डाल दी मैंने धनिया इतने बड़े बकेट में, इस तरह से धनिया डाल दी। अब ये धनिया आप कुछ दिनों बाद देखिएगा क्या शानदार जानदार मेरे गार्डन में पूरी हरियाली बन के छा जाएगी। धनिया बोने का तरीका, आप आधा आधा भी धनिया डाल सकते हैं और आप पूरी पूरी धनिया भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मेरा फर्स्ट क्लास बकेट तैयार। तो देख लीजिए फ्रेंड, आपको आज की मेरी वीडियो कुछ समझ में आई कि मेरे गार्डनिंग का तरीका कैसा होता है। बस अब इसको मैं सेमी सेट में हल्के से रख दूंगी, अभी बहुत तेज धूप में नहीं रखूंगी,
पानी डाल दूंगी, जहां जहां थोड़े थोड़े अंकुरित आने शुरू हो जाएंगे, बस मेरी हो गई तैयारी। तो आप देख लीजिए मेरा विंटर का कितना खूबसूरत फर्स्ट क्लास बकेट मैंने तैयार कर लिया धनिया का। ना मुझे इसमें बड़ा सा बोरी खरीदनी पड़ी, ना मुझे गमले खरीदने पड़े, ना ही मुझे सीड खरीदने पड़े। अपने किचन की ही सीड लिया, किचन से ही धनिया निकाली ठाट से, और फर्स्ट क्लास तैयार। तो फ्रेंड आज का मेरा वीडियो आपको समझ में आया आया होगा, क्यों नहीं आया होगा, क्योंकि मैं एक एक चीज सबको इतने अच्छे से समझाती हूँ, क्योंकि सभी लोग ये बात बोलते हैं कि भाई बॉबी की गार्डनिंग की तो बिल्कुल ही अलग हटके होती है। तो ये बात बिल्कुल 100% सच है, बॉबी की गार्डनिंग बिल्कुल अलग हटके होती है। तो फ्रेंड आज की मेरी वीडियो यही थी, फिर से आती हूँ कल, फिर कुछ सोचती हूँ आप लोग के लिए क्या लेके आऊं। तो आज तो बस इतना ही था, चलती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।